चलो कर लो जी, तेल पड़ो। सब लोग मदद कर रहे हैं मेरी में बहुत। तुम तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हम आपके साथ हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल भी जो है, मैंने जाकिर जी की वीडियो देखी थी, उसके बाद से मेरा मन बहुत परेशान और दुखी हुआ कि आपके तक मदद जानी है, तो इसीलिए हम लोग आए। सब लोग मदद कर, हमारे जरिए और भी लोग आपको मदद करेंगे। अभी तो दुकान खुली है, थोड़ा सामान डला है, बट पूरी दुकान इतनी हरी भरी होगी और इतना अच्छा आपका काम चले इंशाल्लाह, आपको कभी कोई कमी ना आए। और आपके जैसे और भी जो प्रताड़ित लोग हैं, हम उन तक भी मदद पहुंचाना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम करता है। असल में राहत इंदौरी का एक शेर है कि ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये शेर आज इस लम्हे पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि कुछ दंगाइयों ने इनकी दुकान को जलाकर जो है राख में तब्दील कर दिया था। यहाँ से कुछ कोयले उठाए गए थे, कुछ राखें उठाई गई थी, उसके निशा आज भी यहाँ पर बाकी है। हमने उस चीज का वीडियो डाला था, योगिता जी ने हमसे कॉन्टेक्ट किया कि मैं इन अंकल की मदद करना चाहती हूँ। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि एक हिंदू समाज की एक लड़की यहाँ पर आती है, वो उनको जो है भरपूर जो है मदद करती है, जिससे वो बहुत ही खुशी का इजहार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि और लोगों को भी इस तरीके से आना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी वकालत खुद नहीं कर सकता है, उसको दूसरा कोई व्यक्ति ही अपनी वकालत के लिए वकील के रूप में रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया योगिता जी, शुक्रिया जाकिर, आपने इनका वीडियो बनाया और आपने एक सच्ची पत्रकारिता की है। मैं आपसे भी ये बोलना चाहूंगी, ना कि मैं इनको सहयोग करने आई हूँ, बल्कि इनको ये एक मेरा वचन है, आपको कोई तंग करेगा आप फोन करेंगे, हम उस इंसान को करारा जवाब देंगे। ये दुकान इनके लिए जो है अभी खरीद कर दी गई है। और जिन दंगाइयों ने जलाई थी उनको एक पूरा मैसेज देना चाहती हूँ कि आप कितना भी कुछ दंगे कर लीजिए, जैसे मैं इनके साथ खड़ी हूँ, आप फिर से इनको तंग नहीं कर सकते हैं। और आपके जैसे जितने भी दंगाई आ जाए, जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं, वो आपसे 100 गुना के, 1000 गुना के, लाखों गुना ज्यादा है। और हम सब कल्लू जी के साथ खड़े हैं। कल्लू जी इधर आइए। कल्लू जी की दुकान को जब जलाया था ना, तो आपको फिर से आपको एक बार याद करना है कि जलाने वाले आप कुछ लोग चंद लोग हो, पर इनको सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे हिंदू बहन भाई हैं यहाँ पर, क्योंकि हिंदू धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और हिंदू समाज में बताया गया है, हमारे धर्म में बताया गया है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और कभी भी अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आप हिंदू नहीं हो, हिंदू के नाम पर धब्बा हो। और कुछ बोल रहे हैं, मेरे साथ कल्लू जी हैं, कल्लू मियां हैं, जिनकी आपने वीडियो भी देखी होगी पिछली, जिसमें इनकी पूरी दुकान को जला दिया गया, वो आपको वो भी हम दिखाते हैं। और जब इनकी पूरी दुकान जला दी गई, मैंने सोशल मीडिया पे जब ये देखा और मुझे लगा कि इतने बुजुर्ग हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कि दूर से आए हैं गाँव में छोड़कर सब कुछ अपना यहाँ पर दुकान चलाने, ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके, और उसके बाद भी इनके साथ ऐसा हुआ, आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ जी, मैं बहुत परेशान हो गया, कई दिन हो गए मेरी दुकान जलाए हुए, इस वक्त तो मैं घर से बेघर से गया हूँ, क्या करूँगा। तो कल्लू जी, हमने आपसे जैसे फोन पे बात की और मैंने आपको कहा कि आपकी दुकान जल गई, वो बिल्कुल पास में ही थी और एक ये दुकान हमें मिल रही थी, हमने कल्लू जी को आश्वासन दिया आपके साथ फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं खुद एक दूसरे संप्रदाय से हूँ, हिंदू संप्रदाय से, और खुल के कहते हूँ कि हिंदू संप्रदाय में कभी कोई ऐसी बात नहीं सिखाई गई है कि दूसरों का घर तोड़ो, धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। और हिंदू जो सभ्यता है, जो हिंदू रिलीजन है हमारा, बहुत अच्छा, और वो कहता है कि दूसरे धर्म की रक्षा करनी है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और इसीलिए अपने धर्म को निभाते हुए मैं चाहती हूँ मैं आपकी मदद करूँ। और ये दुकान मैंने आपको इसीलिए बोला, मैं आपको दिलाऊंगी और आज से आप काम शुरू करेंगे अपना, और हम देखना चाहते हैं ये दुकान जो हमने, आप हमें लेके चलिए और फिर से अपना नया जीवन शुरू करिए। और बेझिझक रहिए, बेडर रहिए, हम आपके साथ हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, और आपकी और मदद करेंगे हम। चलिए आज आप दुकान का हम उद्घाटन करते हैं, हमने नारियल नहीं लाए, नहीं तो हम नारियल खोल लो ना, ये दुकान खुल गई है जी, ये कल्लू जी का सामान फिर से, कल्लू जी की जिंदगी वापस से नॉर्मल होएगी। कल्लू जी आप आइए इधर, और समझ लीजिए आप सभी का
सपोर्ट कल्लू जी को और चाहिए, इसके लिए हम कल्लू जी के अकाउंट डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे डायरेक्ट, ताकि आप इनकी और मदद कर सके, ताकि ये फिर से अपना जीवन वैसे ही शुरू कर सके जो इनका इस दंगों से पहले था। और मेरा फिर से ये आप सभी को पैगाम है कि हम होंगे कामयाब, एक दिन होगी शांति चारों ओर एक दिन, और कल्लू जी जैसे और भी जो प्रताड़ित हैं हम सबको मदद करने की कोशिश करेंगे। पर फिलहाल कल्लू जी को ये दुकान हमने लेके दी है, हम चाहते हैं कि उनको आगे सपोर्ट आप इनके अकाउंट में डायरेक्ट कीजिए, और ताकि ये फिर से अपना भरण पोषण शुरू कर सकें। दुकान चालू करवा दी गई है, कुछ सामान भी इसमें रखा गया है, और योगिता बताना चाहिए दुकान खरीद कर जो है कल्लू जी के हवाले कर दी है। ये दुकान अभी बनी बनाई जो है नई खरीदी है, कुछ ही दिन पहले बनी थी क्योंकि इनकी दुकान जलकर राख हो गई थी, तो योगिता जी ने ये दुकान नई दुकान खरीद कर इनके हवाले कर दिया है।